डिविडेंड पॉलिसी लाभांश नीति का चैप्टर चल रहा था अपना, और एमडीएस यूनिवर्सिटी की जो बीकॉम सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं उनका जो पेपर है ईएफएम का फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उस वित्तीय प्रबंध का जो फर्स्ट पेपर है उसके अंतर्गत डिविडेंड पॉलिसी के अंतर्गत आज पढ़ेंगे हम गार्डन फार्मूला या मॉडल, गार्डन का फार्मूला या उसका प्रमेय। इससे पिछले वीडियो में पढ़ा था अपने वाल्टर का फार्मूला। प्रोफेसर वाल्टर ने लाभांश नीति किस प्रकार से तय करनी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि लाभांशों का जो भुगतान किया जाता है उसका कंपनी के अंशों के बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये अपन ने पिछले वीडियो में वाल्टर फार्मूला के अंदर देखा था। आज हम अध्ययन करेंगे गॉर्डन का फार्मूला। प्रोफेसर गॉर्डन ने भी कहा है कि लाभांश नीति का कंपनी के अंशों के बाजार मूल्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है, यानी कि किसी कंपनी की जो लाभांश नीति है, डिविडेंड पॉलिसी है, उसका सीधा सीधा प्रभाव उस कंपनी के अंशों के बाजार मूल्य पर पड़ता है। क्योंकि आप जानते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी के अंतर्गत कंपनी के जो प्रबंधक हैं वह तय करते हैं कि कंपनी को जितने लाभ प्राप्त हुए हैं उन लाभों में से कितना हिस्सा लाभांश के रूप में अंशधारियों को बांटना है और कितना हिस्सा फर्म की ग्रोथ करने के लिए रिटेंशन करना है, यानी कि लाभांश के रूप में वितरित नहीं करना है बल्कि उस लाभ को संस्था के अंतर्गत ही उसके एक्सटेंशन करने के लिए या ग्रोथ करने के लिए या नई कंपनी का विस्तार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जैसे वाल्टर ने बताया था कि तीन तरह की फर्म होती है, एक तो विकासवान फर्म होती है, एक सामान्य होती है और एक पतन की डेक्लाइन फर्म होती है। तो यहाँ पर गॉर्डन ने भी तीन तरह की फर्मों का जिक्र किया है कि आर इज ग्रेटर देन के ई कहलाएगी विकासवान फर्म। आर का मतलब यहाँ रेट ऑफ रिटर्न से है जो कि, और के ई का मतलब होता है यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल से है, या दूसरा है फर्म है आर इजकल टू के ई सामान्य फर्म कहलाती हैं, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न और के ई दोनों बराबर होती हैं तो वो हम सामान्य फर्म कहते हैं। आर इज लेस देन के ई यानी कि जो के ई है उससे आर यदि कम होती है तो वो उस फर्म कहलाती है डेक्लाइन फर्म या पतन की ओर अग्रसर फर्म कहलाती हैं। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसे समझेंगे कि किस प्रकार से, जैसे फर्स्ट नंबर की जो फर्म है इसमें आर की वैल्यू दे रखी है 0.15, 15% कह सकते हैं इसको अपन। के ई दे रखा है 0.10, इसको हम 10% कह सकते हैं। और ई दे रखा है, ई का मतलब है अर्निंग पर शेयर, 10 रुपये प्रति अंश इसकी अर्निंग दे रखी है कि अर्निंग पर शेयर अपने को 10 रुपये होती है। सेकंड जो फर्म है आर है 0.10, इसका मतलब 10% है। के ई है आपके 0.10, इसका मतलब 10% है। और ई इसमें भी अर्निंग पर शेयर ₹10 है। तो इसमें चूंकि आर और के ई दोनों बराबर हैं इसलिए सेकंड कैटेगरी में सामान्य फर्म के अंतर्गत आती है। थर्ड कैटेगरी जो है फर्म की, जिसको अपन डेक्लाइन फर्म कहते हैं, यहाँ पर आर की वैल्यू दे रखी है आपको 0.08, इसका कह सकते अपन 8%। के ई दे रखी है 0.10, इसको हम 10% कह सकते हैं। और ई जो है अर्निंग पर शेयर देखिए ₹10। आप इसे तीनों फर्म देखें, के ई तीनों की समान है, अर्निंग पर शेयर समान है, केवल डिफरेंस है आर का, यानी कि रेट ऑफ जो रिटर्न है ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म वो अलग अलग हैं। तो जिसकी रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से वो विकासवान फर्म है, आर और के ई दोनों बराबर सामान्य फर्म है, आर यदि कम है के ई ज़्यादा है तो वो डिक्लाइन फर्म कहलाती है। ये तीनों ही चीज़ें वाल्टर ने भी बताई थी। अब यहाँ वाल्टर और जो गार्डन है उसमें जो बेसिक डिफरेंस आता है वो आता है जी का, ग्रोथ का, यानी कि कंपनी जितना रिटेंशन करेगी यानी कि कम लाभ का वितरण करेगी, और यदि अधिक रिटेंशन करती है तो कंपनी ग्रोथ करेगी। और प्रत्येक अंशधारी ये चाहता है कि इस वर्ष जितना लाभांश उसको प्राप्त हुआ है अगले वर्ष लाभांश उससे अधिक मिले, क्योंकि कंपनी हर साल ग्रोथ करती है और ग्रोथ कंपनी तभी करेगी जब जितना प्रॉफिट होता है उसका अधिकांश हिस्सा रिटेन कर लिया जाए, रिटेंशन कर लिया जाए और उस कंपनी के अंतर्गत ही उसको रीइन्वेस्टमेंट कर दिया जाए या पुलिंग ऑफ द प्रॉफिट कर दिया जाए तो कंपनी विकास
करेगी। तो यहाँ पर हम जो गार्डन का फॉर्मूला है वह है पी इजकल टू ई कोष्टक में वन माइनस बी कोष्टक बंद अपॉन के ई माइनस बी आर, अथवा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी इजकल टू डी अपॉन के ई माइनस जी। अब दोनों फॉर्मूले से किसी भी फॉर्मूले के आधार पर आप इसकी पी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। पी का मतलब यहाँ पर है मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर, यानी कि एक जो साधारण अंश है, समता अंश है, इक्विटी शेयर है, उसकी मार्केट प्राइस पी से डिनोट की गया है यहाँ पर। तो ये हमको कैलकुलेट करनी है कि मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर हमें ज्ञात करनी है। उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला यहाँ पर है ई। ई का मतलब है अर्निंग पर शेयर, प्रति अंश अर्जन कितनी होती है, प्रति अंश लाभ कितनी कंपनी के कितने लाभ प्राप्त होते हैं, और डी का मतलब है डिविडेंड पर शेयर, बी का मतलब है, यहाँ नई चीज आई है, ये तीनों चीजें तो आपको वाल्टर फार्मूले में थी। बी का मतलब है रिटेन अर्निंग्स, यानी कि वन माइनस पे आउट रेशो, पे आउट रेशो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, उस पे आउट रेशो में से को यदि वन में से माइनस कर दें तो रिटर्न अर्निंग्स आ जाएगी। बी का मतलब होता है कि कंपनी ने कितना रुपया रिटेन किया है, रिटेंशन किया है। जैसे कि मान लीजिए कंपनी ने पे आउट रेशो 20% है और कंपनी ने मान लीजिए 100 रुपये का लाभ कमाया, अर्निंग उसकी 100 रुपये की है और 20% वो पे आउट करती है, तो डिविडेंड का भुगतान किया उसने 20 रुपये का, इसमें से माइनस कर दें तो 80 रुपये कंपनी ने री इन्वेस्ट कर दिए, उसी के अंदर ये कहलाएगा बी रिटेंशन, रिटर्न अर्निंग्स, यानी कि लाभों में से वह हिस्सा जो लाभांश के रूप में बांट दिया उसको यदि माइनस कर दें तो बाकी का जो हिस्सा बचेगा वो रिटर्न अर्निंग कहलाएगी, जो कंपनी इसको वापस री इन्वेस्ट करती है कंपनी के ग्रोथ के लिए। आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म, और के ई का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल या कैपिटलाइजेशन रेट, ये आर और के ई वाल्टर फॉर्म में भी थे। जी का मतलब है यहाँ पर बी इंटू आर, यदि आपको रिटर्न अर्निंग को यदि हम आर से गुना करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न से गुना करते हैं, तो आपका जी आ जाएगा, ग्रोथ रेट आ जाएगी। तो देखिए आप पहला जो फार्मूला है इसके अंतर्गत बी आर है, बी आर का कैलकुलेशन मतलब जी से हो जाएगा, तो ये जी यहाँ लिख दिया है, और ई इसके वन माइनस बी, बी का मतलब रिटर्न से यदि वन में से बी कम कर दें और उसको ई में से यदि इसको घटा दें तो आपका डिविडेंड आ जाएगा, तो डी। तो आप भी चाहे इस फॉर्मूले से सवाल सोल्व करें या इससे सवाल सोल्व करें, क्वेश्चन के आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, सेम रहेगा। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के आधार पर हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि ये विकासशील फर्म है या सामान्य फर्म है या पतन की ओर अग्रसर फर्म है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कैलकुलेट प्राइस ऑफ ए शेयर इफ पे आउट रेशो इज 40%, 60%, 90%, कुछ भी हो सकता है, 20% हो सकता है, 50% हो सकता है, 100% हो सकता है, 0% हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ हम एग्जाम्पल के तौर पर 40% यदि पे आउट रेशो है तो उस कंपनी के अंश का बाजार मूल्य क्या होगा। हम तीनों तरह की जो फर्म है उन तीनों के हम अंशों के बाजार मूल्य ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर तीन तरह की फर्म है और तीन तरह के पे आउट रेशो दे रखे हैं, तो हर पे आउट रेशो पर नाइन एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे। तो नंबर वन हम लेते हैं, इस फॉर्मूले से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर आपको P बराबर D, D कितना है 40% पे आउट रेशो आपका, तो आपका अर्निंग पर शेयर आपकी 10 की इंटू 40% अपॉन 100, तो ये आ गया आपका 4 रुपये, तो D की वैल्यू आ गई आपकी 4 रुपीज, क्लियर। अपॉन के ई दे रखा है आपको 0.10 माइनस जी। अब जी आपको निकालना पड़ेगा, जी निकालने का फॉर्मूला यहाँ दे रखा है बी इंटू आर, तो बी कितना है, रिटेंशन कैसे निकालेंगे अपन, आप देखिए रिटेंशन निकालने के लिए 1 माइनस पे आउट रेशो, तो पे आउट रेशो 40, 1 माइनस 40 करेंगे अपन, 1 माइनस 40% ये आ गया 60%, तो बी की वैल्यू आ गई आपकी 60%, 60% को हम लिख सकते हैं 0.60 इंटू आर, आर कितना है आपका 0.15, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे 15 की 90 900,
जी की वैल्यू आ गई 0.09, 0.09 ले सकते हैं अपन, तो माइनस 0.09 इसको सॉल्व कर लीजिए अपन, तो 4/0.10 से 0.09 गए तो बच गया ये 0.01 बच गया, और 4 में यदि 0.01 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 400। तो अंश का बाजार मूल्य कितना हुआ? 400। क्लियर। अब हम सेकंड फर्म का निकालते हैं, सेकंड फर्म में आप देखिए डी की वैल्यू निकालनी है आपको, 40% ही है पेआउट रेशो, तो इसका भी डी की वैल्यू सेम रहेगी 4 रुपये। अब के ई भी इसका है 10%, तो 0.10 माइनस जी, जी निकालना है इसका, तो अब आपका बी की वैल्यू कितनी है, इसमें भी 6 है, 0.6 इंटू आर कितना है इसमें 0.10, तो ये आ गया 0.6 इंटू ये तो 60 हो गया ना, तो 0.060, तो ये 0.06, अब इसको इसमें घटा देंगे 0.04 आएगा, और 4 में इसका भाग दिया तो ये आ जाएगा 100। तो अंश का बाजार मूल्य कितना आ गया? 100 रुपीज। अब थर्ड इसका इससे हिसाब से ज्ञात करें अपन, तो आप देखिए डी की वैल्यू वही है, 40% है तो 4 रुपये, अपॉन के ई इसमें भी सेम है, माइनस जी, जी की वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पर, तो जी में क्या है कि 40% है, तो वही 0.60 इंटू आर कितना है, बी आ गया 0.60 इंटू 8.08, तो ये आ गया आपका 8 × 48, 480 है ना, तो ये आ गया 0.048, जी आ गया आपका 0.048, जीरो हटा दीजिए। अब इसमें से 0.10 में से माइनस करेंगे 0.048, तो ये आ गया आपका 0.052, और इसमें 4 से कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4000/52। अब इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा आपका, ये आपका आ रहा है 77 रुपीज लगभग, ठीक है, तो ये क्या आ गया का 77 रुपीज। तो ये तो हो गया आपका 40% यदि पे आउट रेशो है, तो फर्स्ट जो फर्म है उसकी प्राइस आ रही है 400 रुपये, सेकेंड फर्म के आगे 100 रुपये, और थर्ड फर्म के आगे अभी 77 रुपीज। इनको अपन यहाँ लिखते जाएं, इसकी तो आई 400, 100 और 77, क्लियर। अब नेक्स्ट यदि पे आउट रेशो 60% है, यानी कि 100 रुपये में से 60 रुपये हम डिविडेंड के रूप में भुगतान कर देते हैं, तो कंपनी को रिटेंशन हो जाएगा 1 से पे आउट रेशो तो 40%, ठीक है, तो वी की वैल्यू यहाँ आएगी 40%। तो हम पहले फर्स्ट फर्म का ज्ञात करते हैं, तो डी की वैल्यू कितनी है, 60% है, तो 10 रुपये का 60% 6 रुपये आ गया डी की वैल्यू। अब के ई दे रखा है इसमें 0.10 माइनस जी, जी निकालना है आपको, तो बी 1 - 60% तो 40% आ गया रिटेंशन, 40% को लिख सकते अपन 0.40 इंटू आर कितना दे रखा है इसमें 0.15, 15 × 60 = 600, ये आ गया आपका 0.06, 20 को हटा दें अपन, तो माइनस
पॉइंट जीरो सिक्स, ये आ गया आपकी जी। अब पॉइंट जीरो फोर बचा, ये हो गया सिक्स, तो सिक्स अपॉन पॉइंट जीरो फोर, इसको यदि हम भाग देंगे कितना आ जाएगा, 600/4, 1500, 150 रुपये, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 150 रुपये, 150। क्लियर, देखते हैं 400 और 150 रुपये। क्लियर, नेक्स्ट फॉर्म लेते हैं अपन सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर में क्या है, डी की वैल्यू आएगी वो 6 रुपीज, के ई भी दोनों को सेम है 0.10, माइनस बी आर जो है इसका 0.40 इंटू आर कितना है 0.10, तो 0.400 हो गया ना, तो 0.04, तो इसको हो गया 6/0.06, इसमें से भाग दिया तो ये आ गया 100 रुपीज, तो इसका आ गया आपका 100। क्लियर, अब आती है थर्ड नंबर की फर्म। थर्ड नंबर की फर्म क्या है, डी वही 6% है, 60% तो वही 6 रुपये, के की वैल्यू वही है 0.10, माइनस जी निकालेंगे बी इंटू आर, तो बी कितना आएगा 60% है, तो 0.40 इंटू आर कितना है इसमें 0.08, तो ये जी आ गया आपका 832, 320, ये आ गया आपका 0.032, तो माइनस कर देंगे अपन 0.032, तो 0.10 में से माइनस करेंगे 0.32, तो ये आएगा आपका 6/0.068, इसको यदि हम कहेंगे 6000/68, तो ये आएगा लगभग आपका 88 रुपीज़, तो ये आ गया आपका, आप कैलकुलेट करके देख ले कैलकुलेटर पर 88 रुपीज़। क्लियर, अब आता है 90% यदि पे आउट रेशो है तो इसकी पी की वैल्यू क्या होगी। अब आप देखिए 90% के हिसाब से है, फर्स्ट फॉर्म का निकालते हैं अपन, तो डी की वैल्यू डिविडेंड कितना आएगा, 90% है और 10 रुपये का अर्निंग है, तो 90% का कितना आ जाएगा 9 रुपये। अब डी की वैल्यू आ गई इसमें 9 अपॉन के ई 0.10 ही है, 0.10 माइनस जी कैसे निकालेंगे, बी इंटू आर, तो बी कितना होगा, बी का मतलब रिटर्न अर्निंग, 1 - पे आउट रेशो, तो 1 - पे आउट रेशो, 1 - पे आउट रेशो 90% है, तो बी आ गया आपका 10%, इसका मतलब 0.10, बी की वैल्यू आ गई आपकी 0.10, सबके लिए सेम रहेगी, इंटू आर, आर कितना है आपका, पहली फर्म के लिए 0.15, तो 0.10 इंटू 0.15, तो ये हो गया आपका 150 जीरो, तो ये आ गया आपका 0.015, माइनस कर दे अपन 0.015, तो 0.0 - 0.015, ये आ गया आपका 9/0.085, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो 9000/85, अब 9085 का भाग देंगे तो लगभग जो आएगा वो आएगा आपका 106, आप कैलकुलेट करके देख लें 106 रुपीज़, तो इसकी वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई अभी 106 रुपीज़ पहली फर्म की। अब अपने को दूसरी जो फर्म है उसका लेना है, तो डी की वैल्यू सेम रहेगी, 90% पे आउट रेशो है, 9 रुपये आ गया, के की वैल्यू भी इसमें 0.01 है। अब बी आर की वैल्यू निकालनी है, जी रिटेंशन कितना है, बी की वैल्यू है 0.10 इंटू आर कितना है इसमें 0.10, तो 0.10 ये 100 हो गया, तो इसका आ गया 0.01, तो माइनस 0.01। अब
पॉइंट वन जीरो में से माइनस पॉइंट जीरो वन करेंगे तो 9 0, तो ये आ गया आपका 9/0.09। इसको यदि 900/9 तो इसका 100, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 100 रुपीज। क्लियर। अब जो थर्ड फर्म है, डी की वैल्यू वही 9 रुपये 90% है, तो 10 रुपये का है अर्निंग पर शेयर, तो 9 रुपये आ गया। और आप ये देखें कि जो के ई है वो भी 0.10 माइनस, अब बी आर कितना आएगा 0.10 बी इंटू आर कितना है 0.08, तो 0.10 को 0.08 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा आपका 80। क्लियर। 0.0080 हम 0.0 में से 0.10 से माइनस करेंगे 0.008, तो 2 9, तो ये आ गया आपका 0.092, तो 9/0.092 इसका मतलब 9000/92, तो ये लगभग कितना आ रहा है, ये लगभग आ रहा है 98 रुपीज़। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लें, कैलकुलेट 98 रुपीज़। तो ये तीनों फर्मों के तीनों तरीकों से हमारा सवाल सॉल्व हो गया है। अब आपको इंटरप्रिटेशन देना है। आप ध्यान दीजिए कि पहली जो फर्म है 40% पे आउट रेशो रखते हैं तो 400 रुपये मूल्य आता है, 60% पे आउट रेशो रखते हैं तो 150 रुपये आता है, और 90% पे आउट रेशो रखते हैं तो 106 रुपये आता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फर्म है विकासमान फर्म है, और इसका पे आउट रेशो जितना कम होगा उसके अंश का बाजार मूल्य ज़्यादा होगा। इसका मतलब इसका जो रिटर्न है, रिटेंशन इसको ज़्यादा करेगी, जितनी ज़्यादा रिटेंशन होगा उतना ज़्यादा इसकी कीमत ज़्यादा होगी, और रिटेंशन जितना कम हो रहा है उतनी वैल्यू इसकी कम हो रही है। सामान्य जो फर्म है इसमें आप देखिए कि आर के बी एस में तो इसमें 100-100 रुपये ही आ रही है। पे आउट रेशो कितना ही भी रखें, कितनी परसेंट 0% करें, 100% करें, 60% करें, 20% करें, इसके अंश के बाजार मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है सामान्य फर्म में, क्योंकि आर और के ई दोनों बराबर हैं। और आर इसमें जो कम है, इसमें आप देखिए कि पे आउट रेशो कम है तो अंश का बाजार मूल्य भी कम है, जैसे जैसे पे आउट रेशो बढ़ता चला जा रहा है कंपनी की अंश का बाजार मूल्य बढ़ता चला है, यानी कि रिटेंशन इसका कम होगा, क्योंकि रेट ऑफ जो रिटर्न है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी ज़्यादा आ रही है। तो डिक्लाइन जो फर्म है, डिक्लाइन फर्म को क्या करना पड़ेगा, यदि उसके अंशों का बाजार मूल्य ज़्यादा रखना है तो रिटेंशन उसको कम करना पड़ेगा, जबकि जो विकासमान फर्म है उसको रिटेंशन ज़्यादा रख के और उसके अंश का बाजार मूल्य ज़्यादा होगी, क्योंकि आर की वैल्यू पर ज़्यादा है। तो इस प्रकार से परीक्षा में आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि आपको ये गार्डन फार्मूले से सॉल्व करना है क्वेश्चन, या वाल्टर फार्मूले से सॉल्व करना है, तो जैसे क्वेश्चन में दे रखा है उसी हिसाब से आप सवाल को सॉल्व करेंगे, और सवाल को सॉल्व करने के पश्चात उसका इंटरप्रिटेशन लिखेंगे कि इसकी अंश की जो बाजार मूल्य आ रहा है, पी की जो वैल्यू आ रही है, वो विभिन्न जो पे आउट रेशोज हैं उनमें अलग अलग प्रकार से आ रही है, और जो आर की वैल्यू है और के की वैल्यू है उसकी तुलना करके आप कह सकते हैं कि ये विकास वन में सीधी सीधी आप बढ़ने जा सकते हैं। आर की वैल्यू जहाँ ज़्यादा होगी वो विकास वन फर्म होगी, आर और के की सामान्य फर्म होगी, आर इस लेस देन के तो पतन की ओर डेक्लाइन फर्म होगी। आज की वीडियो इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।